सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंटर उत्तर प्रदेश खिलाड़ी मानको एक नुआ मंच प्रदान करिबो। टूर्नामेंटर शुभारंभ करिबा परे एहा कहिसेंती उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाबू बनारसी दास बैडमिंटन एकाडेमी टूर्नामेंटर उद्घाटन अवसर में योगी कहिसेंती राज्य में खिलाड़ी भविष्य उज्जवल करने उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। अंतर्जातीय टूर्नामेंटर आयोजन आयोजक संघर कर्मकर्ता धन्यवाद देखते योगी आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं उनके प्रति उन और इस पूरे आयोजन के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं खेल और खेलकूद की गतिविधियों के प्रति केंद्र और राज्य सरकार का जो सकारात्मक रुख है वो हमारे खिलाड़ियों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म भी है और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सरकार के द्वारा उन्हें हर संभव सहयोग देने के प्रति मैं उन्हें आश्वस्त करने के लिए भी इस आयोजन में आया हूं। मुझे आने में काफी लेट हुई, आज से हमारा शीतकालीन सत्र विधानसभा का प्रारंभ हुआ है। शीतकालीन सत्र के कार्यक्रम में रहने के कारण विधानसभा सत्र के बीच से मुझे यहाँ पे आना पड़ा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आयोजकों को हृदय से बधाई देता हूँ। यही अवसर रे योगी कहते 2014 परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्गदर्शन में खेलकूद को नहीं अनेक पदक्षेप नियाजाई खेलो इंडिया तथा फिट इंडिया देश में खेल को अनेक उच्चस्तर को नहीं पारी। आम देशर खेलाड़ी माने ओलंपिक रे पूर्व वर्ष गुड़िक तुलन में अनेक गुणा अधिक मेडल प्राप्त करिसेंते। एही वर्ष एशियन गेम्स रे 25% मेडल उत्तर प्रदेश खेलाड़ी माने जीति सेहीपरि पारा ओलंपिक्स रे खेलाड़ी प्रदर्शन बहुत भल रही। हम सब जानते हैं 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर नए भारत में खेलकूद की गतिविधियों ने एक नई गति पकड़ी है। खेलो इंडिया खेलों के अभियान को गति देने के बाद फिट इंडिया मूवमेंट हो, ग्रामीण स्तर पर सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो, पूरे देश के अंदर इसके परिणाम हम सबके सामने आए हैं और आज उसी का परिणाम है ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी पहले की तुलना में कई गुना अधिक मेडल प्राप्त करते हैं और अभी हाल ही में एशियन गेम्स में हमने भारत के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखा है। पहली बार एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने 100 का आंकड़ा पार किया। स्वाभाविक रूप से देश के अंदर गतिविधियां आगे बढ़ेंगी तो प्रदेश उससे कैसे अपने आप को अलग कर सकता है। एशियन गेम्स में चमत्कार आपने देखा होगा, देश की आबादी का 16% आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन जब मेडल की बात आई तो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में 25% जो मेडल है उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने ही जीते हैं। इस अवसर पर यह वर्ल्ड चैंपियनशिप की बैडमिंटन की प्रतियोगिता न केवल खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए एक नया मंच भी प्रदान कर रहा है। प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी स्मृति में यह टूर्नामेंट 1991 मसीह आयोजित हो आसुची। 2004 मसीह अंतर्जातीय मान्यता मिली बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एही प्रतियोगिता को वर्ल्ड टूर सुपर 300 रो मान्यता देछि। सेथिपाई वर्तमान यार पुरस्कार राशि 210,000 अमेरिकी डॉलर रहिछि। एही टूर्नामेंट रे विश्वर सबु नामी दामी बैडमिंटन खिलाड़ी अंशग्रहण करिबे। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।